रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी की परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है। एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी की परीक्षा में धांधली के बाद से राजधानी पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थियों का आंदोलन कल से ही जारी है। इस कड़ी में आंदोलन का असर आज नालंदा में भी देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी बिहार शरीफ के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल ट्रैक को जाम करते हुए सरकार और रेलवे बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा के बाद बोर्ड द्वारा नियमों में परिवर्तन करके रिजल्ट जारी किया जाता है, जिसके कारण मेधावी छात्रों का रिजल्ट नहीं हो पाता है। बोर्ड जो भी नियम जारी करे वह परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों को सूचना कर दे, ताकि वे लोग उसी तरह से तैयारी करें। इस बार के रिजल्ट रुपयों का खेल चला है, जिसके कारण रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। ऐसा आक्रोशित और इस रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है। हालांकि इस गड़बड़ी से छात्रों का भविष्य जरूर अंधकार में चला गया है। वहीं रेलवे ट्रैक के जाम किए जाने के बाद से राजगीर से नई दिल्ली जाने वाली नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन समेत दो ट्रेनों का परिचालन भी बाधित रहा। रेलवे ट्रैक जाम किए जाने की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन के अलावे आरपीएफ के अधिकारी व जवान मौके पर पहुंच आक्रोशित छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। परेशानी सर यही है कि जो बताइए अब एग्जाम वाले 22 फरवरी ग्रुप डी का हुआ है, तो उसमें बताइए कल नोटिस निकाला गया है कि सीबीटी 2 भी लिया जाएगा, तो बताइए जो कि वाले और तो और कोचिंग सीबीटी 2 मतलब एनटीपीसी का जो रिजल्ट दिया है उसमें भी गड़बड़ जैसे सर देखिए एग्जाम्पल देते हैं, मेरा सर पैसे रहा मार्क था 67 ठीक, नॉर्मलाइज करके बताइए 63 कर दिया, और किसी का जबकि सेम डेट में ही उसका बताइए नॉर्मलाइज सेम नेगेटिव भी बराबर है तो उसका बताइए 84 कर दिया, बताइए कैसे नॉर्मलाइज है, ये सभी समझ में नहीं आ रहा है इस सभी बारे में, यानी फिर से एनटीपीसी मतलब आज क्या कर रहे हैं आप लोग? वही हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अच्छा, कुछ परीक्षार्थी हैं जिन्हें परीक्षा के रिजल्ट से और उनके प्रोसीजर्स में उन्हें कुछ मांग है उनकी, उसी को लेकर के यहाँ पर बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर लोग इकट्ठा हुए हैं, स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों से बातचीत जारी है और उनकी डेलीगेशन से बातचीत की गई है और देखिए